इन अ यंग्स डबल स्लिट लाइक एक्सपेरिमेंट, उसकी तरह का एक एक्सपेरिमेंट है. देर आर थ्री स्लिट्स S1, S2, S3 विद S1, S2 एंड S2, S3 डिस्टेंस इक्वल टू 17 लैम्डा बाई 4, वे लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज इंसिडेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेलल बीम ऑन द स्लिट्स. तो ऐसे करके ये सिचुएशन है, एक स्लिट ये, अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एक स्लिट ये और एक स्लिट ये, तीन स्लिट्स हैं S1, S2, S3. कोई भी दो स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो हमको दे रखा है 17 लैम्डा बाय 4, वे लैम्डा इज अ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, और वो लाइट इधर से आ रही है प्लेन वेव के फॉर्म में, पैरेलल बीम ऐसे आ रही है. तो सारे वेव फ्रंट्स ऐसे करके आ रहे हैं, तो एक वेव फ्रंट यहाँ पे आ गया, एंड दैट वेव फ्रंट देन डिमांड्स दैट दीज पॉइंट्स एक्ट लाइक सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट. तो ये अपने अपने वेवलेट छोड़ेंगे सारी डायरेक्शन में. तो S1 से लाइट निकलेगी सब डायरेक्शन में, S2 से निकलेगी सब डायरेक्शन में, S3 से निकलेगी सब डायरेक्शन में. फिर द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट, सो यहाँ पे स्क्रीन है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द स्क्रीन O एंड S2 फॉर्म द सिमेट्री एक्सिस ऑफ द सिचुएशन. तो ये जो S2 था और जो मिड पॉइंट O था, दे फॉर्म द सिमेट्री एक्सिस ऑफ द सिचुएशन. द एंगल थीटा ऑफ अ पॉइंट P ऑन द स्क्रीन मेजर्ड फ्रॉम द सिमेट्री एक्सिस इज 30 डिग्रीज. तो यहाँ पे एक पॉइंट P है, इसका एंगल, ये वाला एंगल 30 डिग्री है. अज्यूमिंग दैट इंटेंसिटी I reaches P फ्रॉम ईच ऑफ द स्लिट्स, फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P. तो पहली बात तो ये डायग्राम नॉट टू स्केल है, क्योंकि आपस का जो डिस्टेंस दैट इज वेरी वेरी स्मॉल. लैम्डा लाइट की वेवलेंथ है, नैनोमीटर्स में होती है, माइक्रॉन्स या नैनोमीटर्स के आसपास ऑर्डर आता है. तो उसके उसको 17/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपस का डिस्टेंस बहुत कम है, मिलीमीटर से भी कम है, और ये डिस्टेंस 1 मीटर ह्यूज है. तो एक्चुअल डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये तीन सोर्सेज होंगी जो बिल्कुल ही डॉट्स की तरह साथ साथ ही आपको दिखेंगी, और इतनी दूर इनसे यहाँ पे स्क्रीन होगी. तो अगर किसी पॉइंट पे तीनों की वेव्स पहुँच रही हैं, तो यू कैन सी कि जो तीन वेव्स पहुँच रही हैं, तीनों का एंगल अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज है, क्योंकि इन तीनों का आपस का जो स्मॉल एंगल है, ये वाला एंगल, ये नेग्लिजिबल है, ठीक है ना. बाकी अगर हम ऐसे आर्क्स बनाते हैं यहाँ पे तीन, तो हमें वही सेम रूल मिल जाएगा कि S1 S2 की जो लाइट वेव चल रही है, ये लाइट वेव जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है वो डी साइन थीटा है, और नीचे वाले के भी सेम डी साइन थीटा है, वेयर डी इज दिस. तो सबसे पहले निकालने जा रहा हूँ कि पॉइंट पी पे जब इनकी वेव्स पहुँचती हैं, तो S1 और S2 की वेव्स जब पहुँचती हैं, उनके बीच में पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना होता है 1 और 2 में, या 1 और 3 में निकाल के आधा आधा भी कर सकते हो. चलो मैं पहले 1 और 3 निकाल देता हूँ, दैट विल बी वेरी फेमिलियर टू दी YDSA एक्सपेरिमेंट. तो YDSA एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर ये सोर्स S1 है, ये एक सोर्स है, आपस का डिस्टेंस डबल हो जाएगा, 17 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा पॉइंट पी पे. वेल, फेज डिफरेंस इज ऑलवेज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 3. 1 एंड 3 का जो पाथ डिफरेंस है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 17 लैम्डा बाई 2 बाई 2 आपस का डिस्टेंस S1 S3 का, टाइम्स साइन थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्रीज. हमने डी साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, पर डी जो डिस्टेंस है वो हमने 1 और 1.3 में डिस्टेंस डी देखा है, और डिस्टेंस डी बहुत स्मॉल होगा बिकॉज एक्चुअल डायग्राम ऐसा होगा, तो हम ये काम कर सकते हैं. ऑलराइट, सो देयरफॉर ये चीज आ जाएगी डेल्टा फाई 2π/λ, डेल्टा एक्स आ जाएगा 17λ/2 इंटू साइन 30 होता है हाफ, ये 2 कैंसिल हुआ, सो दिस बिकम्स 17 का आधा कितना हो गया 8.5π. तो 8π को तो हम 4 चक्कर मार सकते हैं 2π के, प्लस आधा 90 डिग्रीज, ठीक है ना. एंड डेल्टा फाइव फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स रीचिंग फ्रॉम सोर्सेज 1 एंड 2, इसका एग्जैक्ट आधा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स उनका आधा हो जाएगा, उसमें यहाँ पे 17λ/2 की जगह 17λ/4 आएगा. तो चलो मैं पूरा लिख देता हूँ, 2π/λ इंटू 17λ/4 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्रीज. तो ये इसका आधा आने जा रहा है, 8.5π का आधा. फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 8π + π/2 इसका आधा आ जाएगा. और फिर यही चीज़ आने जा रही है फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स जो 2 और 3 से पहुँच रही है. तो इसका मतलब अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं
और वर्टिकल एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को रीड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू. तो अगर हम फंक्शन मान के चलते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो पहली बात तो सारे फेजर्स उल्टा घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है ना. तो हर एक फेजर ऐसे घूम रहा है ओमेगा से. दूसरी बात, सबसे ज़्यादा एक्स है नीचे वाली एस थ्री सोर्स का, एस थ्री सोर्स सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके पहुँचेगी. ऑलराइट, उसका ये डिस्टेंस ट्रैवल बाकी उनसे सबसे ज़्यादा होएगा, ऐसे आर्क हमने बना दिए. तो उसका अगर डिस्टेंस ट्रैवल सबसे ज़्यादा होगा तो उसकी ये टर्म सबसे ज़्यादा होएगी, तो उसका साइन का ओवरऑल आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा होएगा. तो ये फेजर्स उल्टे घूम रहे याद रखना, लेकिन सबसे जो ऊंचा फेजर होएगा वो फेजर होगा. पहले तो हमें दिया हुआ है कि अज्यूम करो हर एक सोर्स से इंटेंसिटी आई पहुंच रही है, इंटेंसिटी आई रीचेस पी फ्रॉम ईच ऑफ द स्लिट्स. क्योंकि ये बेसिक, अगर ये डिस्टेंस जो है, अगर ये डिस्टेंस एल है तो हर एक स्लिट की पावर ऑलमोस्ट सेम है. पावर कैसे निकालनी है अभी मैं अगला प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें क्लियर हो जाएगी. बट अगर ये पैरेलल बीम की इंटेंसिटी आई स्टार है, इसको समझना ध्यान से, अभी मैं रिपीट करूंगा अगली प्रॉब्लम में. अगर पैरेलल बीम की इंटेंसिटी आई स्टार है, कोई भी यूनिट परपेंडिकुलर एरिया ले लें उसमें से आई स्टार इंटेंसिटी आगे जा रही है, तो अगर स्लिट जो है उसकी अपनी जो विड्थ है, जो ब्लेड की थिकनेस थी जिससे आपने स्लिट काटी, अगर वो विड्थ डेल्टा है तो आई स्टार इंटू डेल्टा, और मान लो स्लिट की लंबाई इंटू द प्लेन ऑफ द डायग्राम एल है, इंटू एल, तो आई स्टार इंटू, ये तो हो गया एरिया ऑफ द स्लिट, डेल्टा इंटू एल. तो आई होती है इंटेंसिटी, होती है एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया. तो कितनी पावर गिर रही है पर यूनिट एरिया, आई स्टार. वो कितनी एरिया पे गिर रही है स्लिट के, डेल्टा एल एरिया पे. तो कितनी पावर टोटल उस स्लिट कैप्चर कर रही है, इतनी पावर कैप्चर कर रही है. फिर वो उसी पावर को सेमी सर्कल्स में ऐसे करके भेज रही है, सेमी सिलेंडर्स में, स्लिट है ना लंबी सी, एल इज़ वेरी वेरी लार्ज. तो उसी पावर को सेमी सिलेंडर्स में भेज रही है वो आगे. सो दैट डिवाइडेड बाय सेमी सिलेंड्रिकल एरिया, 2 पाई एल एल, ये डिस्टेंस स्मॉल एल था. तो एक यहाँ पे सेमी सिलेंडर ऐसे करके बन जाएगा रेडियस एल का, तो उसका सेमी सिलेंडर का एरिया कितना हो जाएगा, एल एरिया इस तरह का, ये एरिया हो जाएगा, ये अगर रेडियस एल है और ये वाली लंबाई कैपिटल एल है, तो ये आ जाएगा सॉरी पाई एल आएगा. 2 मैंने गलत लिख दिया, 2 नहीं होना चाहिए, पाई इंटू एल, ये आर्क लेंथ आ गई, और इस आर्क लेंथ को ट्रांसलेट कर दो कैपिटल एल, इतना एरिया. तो इतनी इंटेंसिटी पहुंच रही है पॉइंट पी पे, तो इसमें कैपिटल एल कैंसिल कर दो, डेल्टा आपको दिया होगा ब्लेड की थिकनेस, स्मॉल एल आप निकाल ही सकते हो कैपिटल डी सीकेंट 30 करके, ठीक है ना. तो उससे आपको इंटेंसिटी मिल जाएगी कितनी इंटेंसिटी पी पे पहुंच रही है. तो हमें दे रखा है कि वो इंटेंसिटी हर एक स्लिट की आई पहुंच रही है. क्यों? क्योंकि हर एक स्लिट का डेल्टा सेम है, आइडेंटिकल स्लिट्स हैं, हर एक स्लिट का डिस्टेंस पॉइंट पी से ऑलमोस्ट सेम ही है एल, क्योंकि इतनी पतली सी नैरो सी कोन टाइप की बीम बन रही है. इसलिए तो अगर हर एक की इंटेंसिटी आई पहुंच रही है, तो लेट अस अज्यूम कि लेट ए बी, या लेट कैपिटल ए बी एम्पलीट्यूड ऑफ वेव रीचिंग पी फ्रॉम ईच स्लिट, ऑफ द वेव्स रीचिंग पी फ्रॉम ईच स्लिट. जिसका मतलब कहने का, अगर हर एक स्लिट की इंटेंसिटी आई पहुंच रही है, देन दिस आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट हो जाता है 2 सी म्यू नॉट. कैपिटल ए इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है. तो फेजर डायग्राम में सबसे ऊपर फेजर होएगा जिसका के एक्स सबसे ज़्यादा होएगा, तो उसका एक्स एक्सिस से एंगल सबसे ज़्यादा होएगा, और वो फेजर है. अब रिमेंबर ये 90 डिग्री का पंगा था, तो हमें जान पूछ के उस फेजर को वैसे हम कैसा भी बना सकते हैं, बट हम किसी भी टाइम पे फेजर डायग्राम बना सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. तो मैं ऐसे स्पेशल टाइम पे फेजर डायग्राम बना रहा हूँ जब ए थ्री का फेजर ऐसे है और उसका मैग्नीट्यूड तो ए के बराबर ही है. तो अगर ए थ्री का फेजर ऐसे है, तो फिर जो वन और थ्री में फेज डिफरेंस था वो कितना आ गया था, वो आ गया था 2 पाई का, तो कोई मीनिंग ही नहीं क्योंकि 360 पूरी रेवोल्यूशन है, प्लस पाई बाय 2. तो 360 चार बार उसको रोटेट करो और पाई बाय 2 और रोटेट कर दो, तो वो इससे पाई बाय 2 पीछे होएगा. मतलब जो A1 का फेजर है वो ऐसा होएगा, उसकी भी लेंथ तो सेम ही होएगी,
लेकिन वो इससे 90 डिग्रीज पीछे होएगा। अब देखो शांति से समझो ऐसा क्यों हुआ। A1 और A3 फेजर्स में पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, ये हमने अभी भी ऊपर निकाला है, क्योंकि ये टर्म जो है इसका कोई मीनिंग नहीं है, कि 2 पाई के जितने मर्जी चक्कर काटो घूम के वहीं आ जाओगे, ठीक है ना। और सबसे आर्ग्यूमेंट में, साइन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में, ओमेगा टी तो सबके लिए सेम था, के एक्स वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, के एक्स वैल्यू सबसे ज़्यादा लोएस्ट वाली स्लिट की है, 3 की, तो इसलिए 3 का एंगल हॉरिजॉन्टल से सबसे ज़्यादा होगा। बाकी तीनों फेजेस उल्टा घूम रहे वो अलग बात है। तो बोलने में हम ये बोलेंगे A1 लीड्स A3, क्योंकि लीडिंग और लैगिंग की डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन के विद रिस्पेक्ट होती है, कि जब तीनों चलते हैं तो सबसे आगे कौन भागता है। और उसमें भी हम ये मानते हैं कि अगर ऐसे करके कुछ फेजेस हैं और ये ऐसे घूम रहे हैं तो सबसे आगे ये माना जाएगा, उल्टे पीछे वाला नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अगर कुछ फेजेस ऐसे हैं और तीनों ऐसे घूम रहे हैं तो सबसे आगे कौन है, वी कांट से। सबसे आगे होने की कंडीशन तभी होती है ना, जैसे मान लो ये रेसिंग ट्रैक है और चार बंदे या चार गाड़ियां चल रही हैं, 1 2 3 4 ऐसे चल रही हैं, सबसे आगे कौन है, गाड़ी नंबर ए सबसे आगे है। तो इसलिए लैगिंग और लीडिंग की बात ध्यान रखना, जैसे रिलेटिव टर्म, इसका कोई बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं है। सो बाकी जो A2 का फेजर इन दोनों के बीच में आएगा, बिकॉज उसका फेज डिफरेंस एग्जैक्टली आधा है, तो 45 45 हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा ना, 8 पाई का आधा ये हो जाएगा, 4 पाई प्लस 45 डिग्री, चाहे लिख भी लो, 4 पाई का तो कोई मीनिंग नहीं है, 45 डिग्रीज का आ जाएगा, तो सेम उसकी भी लंबाई आएगी और ये तीसरा फेजर आ गया A2 का फेजर, अगेन कैपिटल A इसकी वैल्यू है और ये 45 पे। इन तीनों फेजर्स को हमें ऐड करना है, और हमने स्पेशल टाइम की सिचुएशन बनाई है, जब टाइम बढ़ेगा तो तीनों फेजेस क्लॉकवाइज रोटेट भी करेंगे, लेकिन इनकी आपस के रिलेटिव पोजीशन सेम रहेंगी, 45 45। सो ए रिजल्टेंट इक्वल टू A1 A2 A3। मैग्नीट्यूड में कितना आ जाएगा, इजी फेजर डायग्राम है, एक्स वाई कॉम्पोनेंट लेने की जरूरत नहीं, पहले A3 और A1 को ऐड कर दो तो उनका रिजल्टेंट आ जाएगा A√2, किस डायरेक्शन में, 45 डिग्री की डायरेक्शन में, प्लस उस डायरेक्शन में एक ऑलरेडी A2 बैठा हुआ है, तो इतना आ गया A1 प्लस √2। नाउ जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए रिजल्टेंट स्क्वायर, ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2। ए स्क्वायर इज इटसेल्फ प्रोपोर्शनल टू आई, जो एक की इंटेंसिटी आ रही थी किसी एक स्लिट की, सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी इक्वल टू किसी एक स्लिट की इंटेंसिटी, वैन ऐसे प्रोपोर्शनल टू, और आई एम सेइंग इज कि सबको 2C μ0 से डिवाइड कर दो, तो 2C μ0 दोनों तरफ सब कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा ए रिजल्टेंट स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ऑल दिस, फिर ए रिजल्टेंट स्क्वायर की जगह आप लिख दो आई रिजल्टेंट, ए स्क्वायर की जगह आई, तो याद आएगा 1 + 2 हो गया 3 + 2√2, तो ये जो आंसर दे रखा है वही आ जाएगा 5.83। इतनी इंटेंसिटी दिखाई पड़ेगी पॉइंट पी पे, 3 + 2√2, ठीक है। तो ये जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, ये मेंस वगैरह में नहीं आएगी इस तरह की। तीन स्लिट्स की प्रॉब्लम्स हैं तो कॉमन, बट जेई एडवांस में आएंगे और कहीं नहीं, अनलाइकली बहुत, अनलेस कोई बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम हो कि फेज डिफरेंस बहुत सिंपल हो, जैसे जेई मेंस में ऐसा तो आ ही सकता है कि तीन स्लिट्स से लाइट पहुँच रही है और तीनों के फेज डिफरेंसेज जो आपस में आ रहे हैं वो 120 120 आ जा रहे हैं, तो उस पॉइंट पी पे रिजल्टेंट क्या बनेगा। तो एक फेजर अगर ऐसे है, दूसरे का 120 आगे, तीसरे का 120 पीछे है, तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अगर इसी प्रॉब्लम में हमने एंगल ऐसे चूज किया होता 30 डिग्री की जगह कि ये डेल्टा फाई 1.2 में 120 आ जाता, तो फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो हो जाती, वो पॉइंट डार्क बन जाता, वहाँ पर डार्क फ्रिंज दिखाई पड़ता उस थीटा पे, ठीक है। तो इस तरह का जेई मेंस में आ सकता है, जो बहुत सिंपल है, जो आप मेंटली कर सकते हो कि हाँ ये तो 120 डिग्री आ गया तो तीनों को ऐड करेंगे जीरो ही आएगा, ऑलराइट। या चार फेजर्स हैं, चारों का 90 90 आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, एक ऐसे आ गया, कैसे, तो जीरो हो जाएगा। या पांच फेजर्स हैं, पांच स्लिट्स हैं, पांच सोर्सेज हैं, और पांचों में एंगल, हर दो अल्टरनेट में एंगल आ गया 72 डिग्रीज, तो भी जीरो आ जाएगा। तो इस तरह के सिंपल तो आ सकते हैं जेई मेंस में, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी वेक्टर कैलकुलस उसमें इन्वॉल्व है, वेक्टर अलजेब्रा, तो फिर एडवांस्ड में ही आएगा।